आप रुकना चाहिए। ट्रेन का ठहराव हो सर, इसके लिए क्या पहल आपके द्वारा किया गया? देखिए, यहाँ जंक्शन हो गया पहला नंबर, तो पूरा जंक्शन है। ठहराव के लिए हमारा जो है, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी मैंने 18/9/24 को मैंने लिखा है रंग जेकिसो ठहराव के लिए, और माननीय रेल मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली उनको भी मैंने लिखा है। लेकिन यहाँ जो ट्रेन है वंदे भारत हम सफर जसीडी साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन जो है पुणे से जसीडी जो जाती है उसको रोकने के लिए, यहाँ देखिए यहाँ प्राचीन काल से जो है हिंदू का पवित्र स्थल है, यहाँ बगल में ऐतिहासिक है मूर्ति, यहाँ है बड़ी मूर्ति है विष्णु धाम मंदिर है, ऐतिहासिक पंचवनन पंचमुखी शंकर मंदिर है, यहाँ प्राचीन काल बाबा कामेश्वरनाथ मंदिर है, इसके बगल में चले जाइए सिकंदरा, यहाँ से जो है लछुआर वहाँ श्रद्धालु के लिए जो है जैन धर्म मंदिर है। तो यहाँ जब तक ट्रेन नहीं रुकेगी तो कैसे सब जगह जाएंगे, तो ट्रेन यहाँ रुकना चाहिए। श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं, उनका भी सुविधा होगा और यहाँ के लोगों को भी सुविधा होगा, इसलिए यहाँ ठहराव जरूरी है। खास करके व्यवसायी वर्ग प्रभावित है, क्या इसमें उन लोगों से भी अपील किया जाएगा कि भाई एकदम व्यवसायी भी जैसे दिल्ली जाना पड़ता है हम लोगों को, तो पटना जाना पड़ता है या गया जाना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ से अलग जाते हैं फिर पटना जाएंगे बस से, फिर पटना से बस से उतरेंगे, फिर उसको ऑटो से हम लोग जाएंगे, बहुत भाड़ा भी लगता है और बहुत समय भी लगता है। तो ये समय बचेगा, सभी व्यापारियों को बचेगा, हम लोगों जितना है सगा संबंधी सब जगह हमेशा जाता है, नौकरी पेशा वाला भी आदमी सभी लोग यहाँ पैसेंजर जाते हैं। तो हम चाहते हैं जी कि यहाँ ठहराव हो, और माननीय मंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, जिकी से विनती करते हैं कि यहाँ का ट्रेन ठहराव यहाँ से पूरा जंक्शन पर किया जाए। जिलावासियों को सर क्या मैसेज देगा? जिलावासियों को मैसेज देना चाहते हैं कि सभी जिलावासी एक मत होकर के सभी लोग मांग जो है उसका समर्थन करें। लोग का पहले धन्यवाद करते हैं जो लोग इस मंच पर, इस जनहित मंच है, इस सामाजिक मंच है, कोई पार्टी पौआ का मंच नहीं है। अगर इसको कोई लोग पार्टी से जोड़ता है, झंडा से जोड़ता है, तो उसका मतलब बुड़बकई है। आपके बच्चों का अधिकार है, आपके परिवार का अधिकार है, आपका शेखपुरा जिला का अधिकार है, इसके लिए ही दैनिक रेल यात्री संघ जो है ये निरंतर प्रयास कर रहा है कि कैसे हमारा स्टेशन पर हमारे जिला मुख्यालय में कैसे गाड़ी रुके। हम अपने माननीय विधायक जी को भी धन्यवाद करते हैं कि भगवान आपको उन्नति दे और आपका सोच और ऊंचा हो कि अच्छे अच्छे सामाजिक कार्य में आपका सहयोग मिलता रहे, लोग अच्छे अच्छे कार्य सामाजिक कार्य में लोग को सहयोग मिलता है, सामाजिक काम है। अगर ट्रेन रुकेगी तो को विधायक जी नहीं चढ़ेंगे, को बुद्धन भाई नहीं चढ़ेगा, इसमें समस्त से पूरा जिला का लोग चढ़ेगा और इसके अगल बगल गांव के लोग को भी लाभ मिलेगा। तो हम और लोग से भी आशा करते हैं कि जो लोग इस धरना से अपने को दूर रखे हैं, हम उनसे भी आशा करते हैं कि आप लोग भी आकर के बल बढ़ाइए। जब बल में बढ़ेगा, देखिए राजनीति करने वाले लोग कितना होशियार थे, शेखपुरा को कैसे बांटा, बोला शेखपुरा को आधा कर दो जमुई में और आधा कर दो नवादा में, मतलब दो भाई को फाड़ के कमजोर कर दिया। पर आज हम कहते हैं कि हम लोग को बांट दिया पर हम लोग को कमजोर नहीं हो। बड़बीघा के लोग के लिए भी शेखपुरा ही स्टेशन था, हथियामा कमता रसलपुर कटारी के लिए भी शेखपुरा स्टेशन था, सरारी और भी अगल बगल गाँव का भी लोग शेखपुरा, इसलिए हम लोग अपना धरोहर जिला को बचाइए, अपना जिला मुख्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनसे विनती है कि कर दीजिए, ये जरूर समाधान हो जाएगा।